हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टॉपिक हॉस्पिटल फार्मेसी सो जो हमने वीडियो लेक्चर शुरू की है स्पेशली सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में ओके okay? सो so जो फार्मेसी प्रैक्टिस के जो हम अलग अलग, अलग लेक्चर्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो फार्मेसी प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है स्पेशली क्या डील्स करता है रिलेटेड टू द हॉस्पिटल ओके कि प्रीवियस uh, लेक्चर्स के अंदर हमने हॉस्पिटल uh, के बारे में डिटेल में पढ़ा था ओके okay? उसके बाद हॉस्पिटल का जो डिटेल स्ट्रक्चर होता है ओके स्ट्रक्चर ऑफ एनी हॉस्पिटल फिर डिटेल में उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था सो so, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है स्पेशली बेज ऑन ए हॉस्पिटल फार्मेसी तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल फार्मारॉक्स के फार्मारॉक्स की चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स सो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल फार्मारॉक्स को एंड नेवर मिस अवर एनी वीडियो सो so, आज का लेक्चर जो हमारा है स्पेशली बेज ऑन ए हॉस्पिटल फार्मेसी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए हॉस्पिटल सो एंड हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन कि हॉस्पिटल क्या है दट इज़ वन टाइप ऑफ ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है कि पेशेंट ट्रीटमेंट विथ एंड ट्रेन मेडिकल स्टाफ कि हॉस्पिटल के अंदर हमें सबको पता है कि स्पेशली वहाँ पे जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है ओके ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट ओके और पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है वहाँ पे सबसे पहले मेडिकल स्टाफ की ओके अलग अलग मेडिकल स्टाफ मेडिकल स्टाफ के अंदर जो हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था ओके वो सब मेडिकल स्टाफ इंक्लूड हो गया और उसके साथ जरूरी है अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स ओके okay, कि बिना किसी इक्विपमेंट्स के किसी भी ट्रीटमेंट अच्छे से पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स टू क्योर द पेशेंट कि हमें लास्ट में हमारा जो गोल है ओके okay, लास्ट में जो हमारा गोल है टू क्योर द पेशेंट कि पेशेंट को अच्छे से क्योर करना है उसकी हमें हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है ये हॉस्पिटल का अच्छे से एस्टैब्लिश होना तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ओके कि डेफिनेशन ऑफ ए हॉस्पिटल हॉस्पिटल के डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हॉस्पिटल फार्मेसी की जो हमारा आज का मेन क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखोगे कि व्हाट इज हॉस्पिटल फार्मासी सो द प्रैक्टिस ऑफ फार्मासी विद इन द हॉस्पिटल अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ओके जो प्रॉपर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं ओके okay, और वो क्या करते हैं फार्मेसी के प्रैक्टिस की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फार्मासी स्टोर है वहाँ पे जो अंदर यह फार्मासिस्ट है ओके okay, वो क्या कर रहे हैं प्रॉपर पेशेंट को प्रोफेशनली हैंडलिंग कर रहे हैं टू प्रोवाइड द मेडिसिन कि दे ओनली डील्स विद द मेडिसिन ओके अच्छे से सभी पेशेंट को मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंडो वन है विंडो नंबर वन की वो है स्पेशली कंसल्टेसन रिलेटेड कि पेशेंट को ये विंडो वन पे कंसल्ट किया जाएगा और ये जो सेकेंड विंडो पर जो है वो पिकअप है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फार्मासिस्ट है ओके वो ये पर्टिकुलर कोई पेशेंट है कि जिसको अच्छे से मेडिसिन जो है वो सप्लाई कर रही है ओके सो so, जो हॉस्पिटल के अंदर ही जो मेडिकल स्टोर अवेलेबल है फार्मेसी अवेलेबल है उसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी आगे जाते हैं लेक्चर के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी की हिस्ट्री जान लेते हैं उससे पहले कि एज पर द नॉन हिस्ट्री द फर्स्ट फार्मेसी वॉज एस्टाब्लिस्ट फार्मेसी ओके तो ये होगा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि जो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर फर्स्ट फार्मेसी डेवलप की गई इन बगदाद इन सेवन फिफ्टी फॉर ए डी ए डी मतलब कि एनोडोमिनी सेवन फिफ्टी फोर ए डी एनोडोमिनी जो हम कहते हैं कि बी सी बिफोर क्राइस्ट जैसे कहते हैं ऐसे सेवन फिफ्टी फोर ए डी का जो समय काल था उस वक्त सबसे पहले फर्स्ट फार्मेसी जो डेवलप की गई आ, अंडर द प्रॉपर सुपरविज़न ऑफ अबू खलीफा ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज तो ये जो समय काल था टाइम पीरियड था उसको इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता था और उस वक्त के अबू खलीफा जो थे उन्होंने ये फार्मेसी जो डेवलप की उसका वो प्रॉपर एस्टेब्लिश करके फर्दर उसको प्रॉपरली रन करते थे सो दिस इज़ द अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी की फर्स्ट फार्मेसी ओके फर्स्ट मेडिकल स्टोर कह सके या फिर फर्स्ट फार्मेसी की जहाँ पे पेशेंट को जो है वो अलग अलग मेडिसिन बनाकर दी जाती थी फॉर द ट्रीटमेंट तो ये उसकी शुरुआत हुई सो इन नाउ मॉडर्न जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ओके कि फार्मासिस्ट के पास डिग्री भी है डिप्लोमा और डिग्री इन ए फार्मासी समझे कि डिप्लोमा तो जो हम कहते हैं कि डी फार्म किसी ने किया है कोई स्टूडेंट ने ओके कि जो डी फार्म स्टूडेंट है डिग्री मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट है ओके तो ये हो गए उनके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की डी फार्म और बी फार्म अब नेक्स्ट है रजिस्टर फार्मासिस्ट इन एट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की अलग अलग जो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होती है एस पी सी जिसको हम कहते हैं तो समझो कि गुजरात स्टेट की है तो वो हो गई जीएसपीसी महाराष्ट्र स्टेट की है तो एमएसपीसी हो जाएगा ओके सो अलग अलग स्टेट की अपनी खुद की स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होती है राजस्थान है तो राजस्थान स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग हो जाएगा इस तरह से हल्क स्टेट की अपनी खुद की फार्मेसी काउंसलिंग होती है तो वहाँ से जो भी फार्मासिस्ट रजिस्टर होते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सो द क्वालिफाइड पर्सन हैव ए लाइसेंस एंड नॉलेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फार्मासिस्ट तो आप बन जाते हो बट आपके पास अच्छा होना चाहिए नॉलेज ओके okay? अगर अच्छा नॉलेज होगा तो ही आप पेशेंट की अच्छे से जो है वो केयर कर पाओगे ट्रीट कर पाओगे और उनको प्रॉपर मेडिसिन जो है वो सप्लाई कर पाओगे ओके द सप्लाई ऑफ प्रॉपर दिस ऑल मेडिसिन कि जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो ही पेशेंट की आप केयर कर पाओगे तो पेशेंट केयर के लिए जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वो एंड उनके पास अपना लाइसेंस होता है एंड नॉलेज भी होना चाहिए टू रन फार्मेसी एंड वहाँ पे उनका मेन फंक्शन होता है सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए मेडिसिन तो ये गया प्रॉपर फंक्शन ऑफ़ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अब जानते हैं डिटेल में रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल टू मैनेज अब हम पता हमें सबको पता है कि ये दूसरे वर्ड में हम कह सकते कि ड्रग स्टोर भी कह सकते हैं ओके ड्रग स्टोर विद इन द हॉस्पिटल की हॉस्पिटल के अंदर ही जो ड्रग स्टोर है ओके okay, उसको हम कह सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी तो उसके मेन फंक्शन क्या है कि जो हॉस्पिटल के अंदर ही एसोसिएटेड है ये फार्मेसी तो उसका मेन फंक्शन क्या है तो प्रोक्योरमेंट मीन्स एक्वायरिंग द मेडिसिन दूसरे वर्ड में सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्वायरिंग मेडिसिन या फिर प्रक्योरमेंट uh, कई बार आप बुक्स में भी पढ़ोगे कि ड्रग ड्रग प्रोक्यूरमेंट ओके तो ड्रग प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है कि ड्रग परचेस करना ड्रग क्या करना परचेस करना कि हॉस्पिटल uh, के अंदर जब आप मेडिसिन को परचेस करते हो एक्वायर करते हो तो मेडिकल के टर्म्स में उसको कहा जाता है प्रोक्यूरमेंट ओके okay? उसको कहा जाता है प्रोक्योरमेंट प्रोक्यूरमेंट के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन कि अब आपने मेडिसिनस तो ले ली ओके okay, बट अच्छे से उनको स्टोर करना ज़रूरी है कि स्पेशली जब कोई प्रॉपर uh, जो स्टोरेज कंडीशन फॉलो करनी रहती है ओके okay, कि जो अलग अलग स्टोरेज कंडीशन की जो हम बात करते हैं कि कुछ मेडिसिन होती होती है कि उनको रेफ्रिजरेटर uh, में आपको अच्छे से रखना पड़ता है ओके okay, फिर कुछ मेडिसिन को अच्छे से आपको सन लाइट से दूर रखना है ओके प्रिवेंट फ्रॉम द सन लाइट तो यह है प्रॉपर स्टोरेज स्टोरेज के बाद जरूरी है उसका प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन इसलिए कि उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो ओके माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो कोई भी मेडिसिन के अंदर या फिर उसका कोई दूसरी कोई तरीके से मेडिसिन का डिग्रेडेशन uh, ना हो या फिर मेडिसिन का किसी भी तरह से स्पॉइलेज ना हो तो ये सभी फैक्टर्स को अच्छे से आपको फॉलो करके ये ख्याल रखना है रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन एंड टू प्रिजर्व द मेडिसिन इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी नेक्स्ट पैकेजिंग एंड स्टरिलाइजेशन की जो भी आप मटेरियल uh, है आपका उसको अच्छे से पैकेज करना है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छे से सभी मेडिसिनस अब तो क्या है कि रेडीमेड मेडिसिन मिल जाती है ओके रेडीमेड इसलिए कि आ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो रेडीमेड मेड मेडिसिन बनाकर अलग अलग डोजेस फॉर्म की हम देखते हैं कि टैबलेट होता है कैप्सूल होता है एरोजॉल है आ, पेरेंट्रल है ओके okay? तो सभी रेडीमेड मेड मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल होती है विथ प्रॉपर पैकेजिंग बट समझो कि पहले क्या करते थे कि फार्मासिस्ट खुद मे मेडिसिन को प्रिपेयर करते थे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर तो उस वक्त उनको अच्छे से पैकेज भी करना पड़ता था खुद और उसको स्टराइल भी करने पड़ते थे तो अभी भी फिर भी ये समझो कि पैकिंग में ही आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो भी ये पैकिंग डैमेज ना ओके स्पॉइल ना हो उसका भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंपाउंडिंग एंड प्रिपेरेशन की जो हमने बात की कि प्रॉपर फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग भी करते हैं मेडिसिन को और उसको प्रिपेयर करते हैं तो ये भी फंक्शन रहेगा फार्मासिस्ट के देन जब ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब तो कोई पेशेंट आता है तो उसको वो मेडिसिनस को अच्छे से डिस्पेंस करना ओके okay? कि जो हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ते थे कि मेडिसिन को अच्छे से डिस्पेंस करना और उसके बाद प्रॉपर वे में इन प्रॉपर वे वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इन द हॉस्पिटल की हॉस्पिटल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है कि समझिए कि उसका ओ पी डी डिपार्टमेंट है आई पी डी डिपार्टमेंट है या फिर इमरजेंसी uh, डिपार्टमेंट है तो सभी के लिए आपको अच्छे से ये मेडिसिन को स्टोर करके जो है वो पेशेंट्स को डिलीवर करना है आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर कि फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ द ऑल ड्रग कंटेनर्स फ्रॉम विच मेडिसिन आर टू बी एडमिनिस्टर्ड कि जब मेडिसिनस को पेशेंट को लिए रेडी कर दिया जाता है कि अब तो ये रेडीमेड हमें मेडिसिनस मिल जाती है कि अच्छे से लेबलिंग भी होता है उसके ऊपर प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉपर ब्लिस्टर पैकिंग हम देख सकते हैं ओके तो ये मेडिसिनस को अच्छे से आपको स्टोर करके रखना है प्रॉपर फिलिंग एंड लेबलिंग प्लस जो समझो कि यहाँ पे आपका एक स्टोर के अंदर एक रैक है समझो तो वहाँ पे इस तरह से अलग अलग रैक्स दिए होते हैं ओके okay, कि वहाँ पे प्रॉपर बॉक्सेस या फिर स्पेस दी होती है कि वहाँ पे आप मेडिसिनस को प्रॉपर फिल कर सके स्टोर कर सके तो समझो कि यहाँ पे ए अल्फाबेटिकली ए लिखा है यहाँ पे बी है सी फिर समझो कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है ई एफ जी एच एंड आई तो अल्फ़ाबेटिकली आप प्रॉपर मेडिसिनस को क्या करते हो स्टोर कि समझो कि ए है तो ए वाले में आप समझो कि एस स्टार्ट होती है मेडिसिन के एस्पिरिन हम यहाँ पे सॉर कर सक आ, सेव कर सकते हैं ओके फिर आ, जो भी अलग अलग नेम है डी है तो डी वाले में समझो कि आपके पास डिजॉक्सिन है ओके तो डिजॉक्सिन को आप डी वाले में रखोगे तो इस तरह से क्या होगा प्रॉपर हॉस्पिटल फार्मेसी का मैनेजमेंट होगा विथ प्रॉपर लेबलिंग के अकॉर्डिंग टू एंड ऑल ड्रग कंटेनर्स सुडविच ऑल द मेडिसंस आर टू बी एडमिनिस्टर्ड तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर मैनेजमेंट ऑफ स्टोर कि जो अभी हमने बात की मैनेजमेंट कि अच्छे से आप अल्फ़ाबेटिकली आपको जो भी कपबोर्ड्स दिए हैं ओके कि ये ए वाला है ये बी है ये सी है तो प्रॉपरली कपबॉर्ड के अंदर आप मेडिसिनस को अच्छे से ये स्टोर करते हो विच इंक्लूड्स द परचेज ऑफ ड्रग्स प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस एंड मैंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसको स्टोर करते हो उनके जो रेकॉर्ड होते हैं ओके okay, उसको अच्छे से जो ड्रग का एक रजिस्टर दिया होता है जिसको ड्रग रजिस्टर कहा जाता है या फिर दूसरे वर्ड में उसको स्टॉक रजिस्टर भी कहा जाता है जो हम आगे देखेंगे तो रजिस्टर के अंदर अच्छे से ये मेडिसिन की एंट्री करनी पड़ती है ओके okay, तो ये भी एक फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर कि मेडिसिन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि जो भी समझो कि कोई फार्मेसी के अंदर कोई भी समझो कि विजिट करता है ओके okay? कि जो विजिटर्स आते हैं या फिर कोई गेस्ट आते हैं ओके okay? कि स्पेशली जो आ, कुछ सैम्पलिंग uh, कलेक्शन के लिए आते हैं कि जो कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए सैंपलिंग के लिए या फिर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और टू नो समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन तो उसके लिए ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स चलाए जाते हैं कि वहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट आकर भी उसका अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं देन ऑल्सो द अदर पीपल्स कैन गेट द नॉलेज अबाउट दिस मेडिसिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर का तो उसको अच्छे से हॉस्पिटल के अंदर एस्टेब्लिश करना और उनको मेंटेन करना ज़रूरी है बाय प्रॉपर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कि वहाँ पे जो अवेलेबल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो ओके okay, तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अच्छे से ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको जो है वो रन करेंगे अच्छे से उनको चलाएँगे तो ये एक फंक्शन हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी का एज़ वेल एज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टर फार्मासिस्ट की जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर काम कर रहा है प्रोवाइडिंग द कोऑपरेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम कि जब भी अलग अलग नए रिसर्च होते हैं तो उसके रिलेटेड जरूरी है कि आप वर्कशॉप अरेंज करो ओके okay? सेमिनार्स है फिर इम्पोर्टेंट uh, चीज़ होती है कि गेस्ट लेक्चर ओके और अभी जो लेटेस्ट लर्निंग है उसके अकॉर्डिंग टू सेमिनार या फिर वेबिनार करके ओके आप लेटेस्ट जो नॉलेज है इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंचा सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर समझो कि अदर मेडिकल स्टाफ है ओके अदर मेडिकल स्टाफ जितना भी है उनको अच्छे से नॉलेज मिले उसके लिए ये जरूरी है टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाएगा हॉस्पिटल फार्मेसी का इन एट पर्टिकुलर हॉस्पिटल सो जितना भी नॉलेज अपग्रेड हो वो जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब हमारे लिए वो है एक्सपायर्ड ड्रग कि जब भी कोई भी मेडिसिंस का रिसर्च होता है ओके तब तो या फिर मेडिसिन डेवलप होती है तो सभी मेडिसिंस की रहती है एक्सपायरी डेट तो जब भी कोई मेडिसिनस परचेस होती है तो आपको दो चीज़ की याद ध्यान रखना है अच्छे से उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ओके और मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ जरूरी है नॉलेज अबाउट द प्रॉपर एक्सपायरी डेट ओके तो वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे लेबल के ऊपर दोनों मेंशन किए होते हैं तो डिस्कार्ड करनी है एक्सपायरी डेट मेडिसिन ऑल्सो कंटेनर्स वॉर एंड मिसिंग लेबल कि कोई मेडिसिन सेपरेट हो गई है uh, अपने कंटेनर में से उसके ऊपर कोई लेबल मिसिंग है तो वो सभी को आप क्या कर दोगे डिस्कार्ड कर दोगे ओके उनको जो है वो रिमूव करेंगे फ्रॉम द ड्रग स्टोर ओके सो so, स्पेशली uh, एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन को हम सेफ्टी पर्पज़ से ओके सेफ्टी पर्पज़ के कारण जो है वो रिमूव करेंगे फ्रॉम द ड्रग स्टोर कि जो हमारा ड्रग स्टोर होगा उसमें से इस टाइप की मेडिसिन को हम रिमूव कर देंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए आगे जाते हैं अब लेक्चर के अंदर कि यह आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन रिगार्डिंग द डिफरेंट राइट्स ओके इसको कहा जाता है डिफरेंट राइट्स तो कौन से ये राइट्स है वो जानते हैं कि टू एंश्योर द अवेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि राइट right मेडिकेशन कि प्रॉपर आप राइट मेडिकेशन सिलेक्ट करते हो फिर प्रॉपर उसका ये डोज यहाँ पे लिखा है डोज के बाद जरूरी है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि राइट right टाइम पे आप मेडिसिन देते हो पेशेंट को राइट right रूट से राइट right पेशेंट कि पेशेंट भी करेक्ट होना चाहिए ओके okay, देन राइट टू एजुकेट राइट टू एजुकेट कि जो भी पेशेंट है उसको आप एजुकेट करते हो रिगार्डिंग दैट मेडिसिन एंड थेरापी राइट डॉक्यूमेंटेशन कि जो भी मेडिसिन आप पेशेंट्स को देते हैं उसका अच्छे से आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो उसका जो डेटा है वो आप अच्छे से सेव से रखते हो उसके बाद राइट टू रिफ्यूज़ अगर समझो कि पेशेंट को किसी मेडिसिन से तकलीफ हो रही है तो इट ही और सी मस्ट हैव ए राइट टू रिफ्यूज दैट थैरापी और मेडिकेशन राइट एसेसमेंट कि प्रॉपर अच्छे से आप एसेसमेंट करो एंड राइट इवेल्यूशन के लास्ट में जो भी पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है उसका अच्छे से हो जाना चाहिए इवेल्यूएसन तो इवेल्यूएसन से आपको पता चल जाएगा कि थेरापी अच्छे से हुई है या नहीं तो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट से ये सभी राइट्स जो है वो अच्छे से फॉलो होने चाहिए ओके okay? जितने भी ये राइट्स हमने देखे ये सभी राइट्स अच्छे से फॉलो हो सके फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट सो टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल देर इज़ ए इम्पोर्टेंस ऑफ ए दिस ऑल राइट्स कि जितने भी अलग अलग ये राइट right हम देखते हैं सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है सो so, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि राइट ड्रग ओके प्रॉपर राइट ड्रग राइट डोज कि जो भी डोज है राइट टाइम राइट पेशेंट एंड प्रॉपर राइट रूट तो ये आपको ये सब राइट्स अच्छे से याद रखने हैं इन प्रॉपर सीक्वेंस के यहाँ पे क्या है सीक्वेंस नंबर वन सबसे पहले आपने राइट ड्रग सिलेक्ट की उसके बाद उसके लिए प्रॉपर ये राइट right पेशेंट ये एरो यहाँ पे आ रहा है फिर राइट right डोज के अंदर वो मेडिसिन जानी चाहिए फिर प्रॉपर रूट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और लास्ट में राइट right टाइम तो ये सीक्वेंस अच्छे से फॉलो करने हैं इन हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शन। सो लाइक दिस इज दिस द राइट ड्रग राइट डोज राइट रूट राइट टाइम और राइट पेशेंट तो ये अच्छे से फॉलो होने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फंक्शन तो इसका कोई एग्ज़ाम्पल देते हैं हम यहाँ पे कि इस तरह से कोई पेशेंट है समझो कि मेडिसिन डिलीवरी हो रही है उसको अच्छे से थी कि सबसे पहले राइट right पेशेंट तो राइट right पेशेंट के अंदर पेशेंट की जो डिटेल है वो कि विलियम जेमिसन उनका बेड टू है उनकी जो आईडी है वो पेशेंट आईडी एंड डेट ऑफ़ एडमिट ओके कौन से दिन को वो एडमिट किए गए हैं या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ ओके जो भी यहाँ हो कि डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है या फिर आप जिस दिन पे वो एडमिट किए हैं वो दोनों डेट जो है वो कई बार मेंशन होती है सो राइट पेशेंट के बाद राइट right मेडिसिन कि जिसके अंदर समझो कि उनको पैरासिटामॉल देनी है तो राइट right मेडिसिन हो गई उसका राइट right डोज फाइव हंड्रेड एम जी राइट टाइम कि कौन से टाइम पे देना है तो थ्री टाइम्स अ डे दिन में तीन बार और ज़रूरी यह याद रखना है कि उसको आपको देना है आफ्टर द मील तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है देन कौन से रूट से दोगे राइट रूट क्या है तो ओरल और लास्ट में आप जो भी मेडिसिन लेकर अच्छे से साइन लेते हो तो ये हो गई प्रॉपर इंफॉर्मेशन अब उसकी समरी देखते हैं हम कि यहां पे इस तरह से की, uh, right patient, कि राइट पेशेंट कि पेशेंट का जो नेम है ओके okay, यहां पे हम देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द पेशेंट के बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी आईडी डी बैंड ब्रेसलेट बेड नंबर ड्रग मेडिकेशन के अंदर हम स्पेशली चेक करेंगे मेडिसिंस uh, का नेम ऑन द लेबल ऑर्डर टू स्पेल आउट वेन नेसेसरी जब ओरली कहा हुआ है या फिर अच्छे से जब लिखा हुआ है तो उसका स्पेलिंग चेक करना जरूरी है कि क्या लिखा है ओके फिर डोज चेक द नेम ऑन द लेबल एंड ऑर्डर टाइम की जो शेड्यूल है वो रूट कौन सा कि ओरल रूट से देनी है टॉपिकल रूट है इन्हेलेशन है या फिर पेरेंट्रल है डॉक्यूमेंटन साइन द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की जो अच्छे से आपका जो रिकॉर्ड होता है वो लिखकर रेडी रखो

चेक एंड रीचेक ओके जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसको अच्छे से आप चेक करो क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर मेनली डील्स करेगा विद द प्रिस्क्रिप्शन तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आर एक्स है ओके okay, उसको अच्छे से आप चेक करो नल्सो डू द प्रॉपर री चेकिंग एंड व्हेन इन इन डाउट कंसल्ट द ऑथोरिटी की जो समझो कि मेन हमने बात की थी कि अटेंडिंग फिजिशियन uh, जो होते हैं अटेंडिंग फिजिशियन तो अटेंडिंग फिजिशियन को भी आप जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट और द अदर एनी हायर अथॉरिटी सो इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि समझो कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं ओके प्रिस्क्रिप्शन को जब रीड uh, किया जाता है ओके okay, तब समझो कि आपको कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली आप जो भी डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्सन तैयार किया है उनको आप जो है वो पूछ सकते हैं कि वैन इन डाउट कंसल्ट द दथोरिटी नेक्स्ट है आ, उसका फंक्शन टू एक्ट एज अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ नर्सिस एंड फॉर द पेशेंट टू एक्ट एज ए डेटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन देन टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड लास्ट डे टू डे प्रॉपर मैंटेनिंग द स्टॉक रजिस्टर तो यह स्टॉक रजिस्टर का है या फिर डेटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन की यहाँ पर लिखा होता है कि नेम ऑफ मेडिसिन ओके फिर उसकी अवेलेबल स्टॉक ओके अवेलेबल जो स्टॉक होता है वो आप लिखते हो फिर यूज स्टॉक कि कितना स्टॉक जो है वो यूज़ हुआ ओके या फिर आप इनिशियल बैलेंस लग सकते हो कि इनिशियल बैलेंस कितना था एंड फाइनल बैलेंस इस तरह से प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ऑफ मेडिसिन फिर काउंसलिंग डिपार्टमेंट जो होता है हॉस्पिटल का वो अच्छे से पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं सो दिज आर द मेन फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी नेक्स्ट है कि टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापिटिक कमेटी की जो पी टी सी कमेटी की जो हम बात करते हैं पी मतलब कि फार्मेसी टी मतलब कि थेरापिटिक एंड सी मतलब कि कमेटी की जो फार्मेसी एंड थेरापिटिक कमेटी की जो स्पेशली हॉस्पिटल फार्मेसी रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस के अंदर uh, जो इम्प्लीमेंटेशंस करने हैं डिसीजनस के तो उसके रिलेटेड प्रॉपर पी टी सी कमेटी जो है वो एडवाइस देती है नॉल्सो दे प्रोवाइड द प्रॉपर गाइडेंस गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है ओके टू प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दैट ड्रग स्टोर कि जो ये ड्रग स्टोर होता है उसका अच्छे से हैंडलिंग हो सके उसके लिए आए अच्छे से फंक्सन करते हैं टू कॉर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल की जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं कि जो हमने अलग अलग हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स देखे थे तो सभी डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट हो गए सके समझो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट है तो उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ओके फिर समझो कि डाइटिशियंस है तो डाइटिशियंस के साथ भी होना चाहिए फिजियोथेरापिस्ट है ओके या फिर कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो सभी के साथ अच्छे से हॉस्पिटल फार्मेसी का होना चाहिए कोऑर्डिनेशन तो उसी से उनका फंक्शन जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो सकेगा एंड लास्ट इम्पोर्टेंट है कि टू प्लान कि अच्छे से फार्मेसी को रन करने के लिए प्लानिंग जरूरी है तो अच्छे से प्लानिंग हो सक हो होना ज़रूरी है ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट द फार्मेसी पॉलिसी की जो अलग अलग पॉलिसी आप आ, फिक्स करते होके पॉलिसी okay? के साथ जो रूल्स बनाए जाते हैं रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो उसको अच्छे से फॉलो हो सके उसके रिलेटेड प्रोसीजर्स इन कीपिंग विद एस्टाब्लिश पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल सो ये टॉपिक के अंदर स्पेशली आपको हॉस्पिटल और उसके फंक्शन रिलेटेड जो है वो डिस्कस करना है तो आगे जो यही चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द हॉस्पिटल फार्मेसी का लोकेशन कि हॉस्पिटल फार्मेसी का लोकेशन क्या होता है आ, उसका लेआउट कैसे तैयार होता है ओके okay? उसके बाद जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट uh, है ओके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट के फर्दर uh, रोल उनके फंक्शन क्या है ओके okay? वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे इन ए पार्ट सेकंड ऑफ दिस हॉस्पिटल फार्मासी सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स ऑल्सो यूज़ अवर एफ ओके okay, फार्मारॉक्स की ऐप और ये जो पी वगैरह है हमारे पी वीडियो लेक्चर एंड टेस्ट सीरीज़ डायरेक्टली आपको फार्मारॉक्स की जो ऐप है उस पर मिल जाएगा कि तो गूगल प्ले के ऊपर गूगल प्ले पर जाके आप डायरेक्टली फार्मारॉक्स सर्च करोगे तो आपको मोबाइल ऐप जो है वो मिल जाएंगे तो मस्ट यूज़ दिस ऐप फार्मरॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट